हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की जो जॉब है वो एक प्राइवेट कंपनी की जॉब है जो कि एक एमएनसी कंपनी है। कंपनी का नाम है कॉनक्रेंस। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और देखते हैं आगे क्या कुछ है इस प्राइवेट कंपनी के जॉब नोटिफिकेशन में। जॉब नोटिफिकेशन है वो आया है कॉनक्रेंस की तरफ से। ये एक एमएनसी कंपनी है जिसने हाल ही में अपना एक फैक्ट्री प्लांट स्टार्ट किया है क्रेन्स रिलेटेड पुणे महाराष्ट्र में। तो आपको सबसे पहले कॉनक्रेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनके कैरियर ऑप्शन में जाना है, जहां पे आप देख सकते हैं आपको ओपन पोजीशंस इन इंडिया मिलेगा। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे उस पेज पर जहाँ पर इन्होंने इंडिया में जितनी वैकेंसी रिलीज़ करी हैं वो इन्होंने पोस्ट की हैं। देख सकते हैं यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने जॉब वैकेंसियाँ निकाली हैं। देख सकते हैं सबसे पहली जो जॉब है वो रहेगी कंसल्टेंट एचआर सॉल्यूशंस में। उसके बाद अलग अलग हैं एडमिनिस्ट्रेशन डाटा रिपोर्टिंग में, डिज़ाइन इंजीनियर में, इंजीनियर में, सीनियर कंसल्टेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और कंसल्टेंट डेटा एनालिस्ट में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब, जिसके लिए इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। तो डिज़ाइन इंजीनियर के लिए इन्होंने सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगी आपकी एक्सपीरियंस की। तो आपके पास 2 से 3 साल का डिज़ाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी पुणे रहेगी। कंपनी का नाम रहेगा कॉनक्रेंस एंड डीमैक प्राइवेट लिमिटेड और जो डिपार्टमेंट है आपका वो रहेगा इंजीनियरिंग का। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की, आपके ऊपर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है इंटरप्रेट द रिक्वायर्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि आपको अपना काम का दायरा तय करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्लियर करने होंगे, यानी कि आपको क्या काम करना है ये आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्लियर करके चेक कर सकते हैं। साथ ही आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए मैकेनिकल इक्विपमेंट और स्ट्रक्चरल ड्राइंग की रीडिंग्स में। साथ ही आपको इक्विपमेंट लेआउट्स बनाने होंगे, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो आपको लेने होंगे, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग है वो कंफर्म हो। साथ ही में अगर कोई सेल्स रिलेटेड मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल ड्राइंग में प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको जनरेट करके देना होगा। इसके साथ साथ आपको क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत खास ख्याल रखना होगा डिज़ाइन में। साथ ही आपको मॉनिटर करने होंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और अगर उनमें किसी भी प्रकार की आपको कोई कमी लगती है तो आपको करेक्टिव एक्शंस भी इम्प्लीमेंट करने होंगे। साथ ही साथ आपको अवेयर होना होगा ISO 14001 और 45001 से। इसके अलावा जो आपकी अदर ड्यूटीज़ रहेंगी वो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपको बता देगा। अब बात करें कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो सबसे पहले आपके पास बीटेक मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास होना चाहिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एप्टीट्यूड, यानी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपके मैकेनिकल सब्जेक्ट की। साथ ही में आपको गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अच्छी समझ होनी चाहिए क्रेन रिलेटेड कंपोनेंट्स, वायर रोप, होइस्ट की, यानी कि जितने भी मदर पार्ट और चाइल्ड पार्ट है आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। आप फैमिलियर होने चाहिए क्रेन स्टैंडर्ड से जो कि है FEM एंड EN। साथ ही आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। आपको 2D CAD टूल की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी रिटन एंड स्पोकन भी गुड होना चाहिए। साथ ही में आपको क्रिएट होन एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू वर्क वेज ऑफ वर्किंग, यानी कि आपको जो काम करने का तरीका है उसमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा और एक नया तरीका भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे जो आपका वर्क है वो इफेक्टिव मैनर में बाहर निकल कर आए और आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें अपने टीम मेंबर्स के साथ। वाट वी कैन ऑफर यू, यानी कि अब आपको कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी। तो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी एक इनसाइट टू द वर्ल्ड क्लास IT सर्विस डिलीवरी, यानी आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव सैलरी रहेगी, यानी सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी। वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, यानी आपको वर्कलोड काम का कम रहेगा। साथ ही में आपको इनोवेटिव एंड डायनेमिक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई नाउ का बटन देख रहे हैं। अप्लाई नाउ पर जाइए, रिक्वायर्ड फील्ड्स को फिल्ड कीजिए और इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन रिलेटेड नहीं हैं तो आप बैक जाके अपनी रिलेटेड फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।